उब्रा इंडियन तमिल भाषा में बनने वाला एक्शन थ्रिलर मूवी है। इससे आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि यह काफी सस्पेंस से भरा मूवी की ज्यादातर सीन फ्लैशबैक में चलती है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए वरना समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है और गूगल यूजर्स ने इसे काफी लाइक भी किया है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एक बिलियनियर उनसे कुछ डील कर रहा होता है और चीफ मिनिस्टर जब उससे राजी नहीं होता वो चीफ मिनिस्टर को चैलेंज करने की बात करता है। तभी सारे बॉडीगार्ड्स उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। वो हंसता है और एक चुटकी बजाते ही चीफ मिनिस्टर को गोली लगने का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में वही बिलियनियर स्टेज पर टेडएक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इंस्पिरेशनल टॉक देता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद कुछ लोग बाथरूम के अंदर दिखते हैं, जहां वो बैठकर हाइड्रोथेरेपी लेते हुए दिखते हैं। वहां से निकलते ही एक आदमी को गाड़ी के डिक्की पर पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। वो फोन करके सारी बातें अंदर बैठे लोगों को बताता है। नेक्स्ट सीन में कोबरा जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है उसका लैब दिखाया जाता है। वहां से बच्चे की आवाज का एक कोड और रोबोटिक पिक्चर तुर्किश इंटरपोल के ऑफिस के स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाया जाता है। इंटरपोल ऑफिसर जिसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैनात किया जाता है उनका नाम असलन इल्माज है, जिसका किरदार इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इरफान पठान निभाते हुए दिखते हैं। यह रोबोटिक कोड कोबरा के नेक्स्ट टारगेट जो स्कॉटलैंड में होने वाले रॉयल वेडिंग की ओर इशारा करता है, इसलिए ऑफिसर असलन वहां के सारे पुलिस टीम को फोन कर वहां सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता है। उसके बाद वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। वेडिंग डे पर कोबरा फादर के गेटअप में प्रिंस के वेडिंग रिचुअल्स कर रहा होता है। तभी स्क्रीन पर देख एक बूढ़े फादर को पता लग जाता है कि वो कोई और फादर हैं जो वहाँ वेडिंग करा रहा है, पर वो एक बस में एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ से इन्फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल दिखाया गया है। कोबरा अपने सेट किए गए टाइम के मुताबिक चालाकी से अपने घड़ी से एक पिन निकालकर प्रिंस के गले में चुभा देता है और तभी ऊपर का झूमर नीचे गिरने से बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। झूमर के गिरने से फ्लोर के अंदर गहराई तक छेद हो जाता है। कोबरा उससे निकल जाता है। पुलिस उसके पीछे भागती है पर वो किसी स्नेक की जैसे सुरंग की हर रास्ते का पता जानता था और वो वहाँ से कोबरा स्नेक जैसे भाग निकलता है। उसके बाद यह दिखाया जाता है कि कोबरा उस फादर के गेटअप में वहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के गेटअप में वहां से निकलता है और बाद में वो फादर को भी मार डालता है। नेक्स्ट सीन में मैथमेटिक्स टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम मधी है, जिसका किरदार विक्रम निभाते हुए दिखते हैं, जो फिल्म का मेन कैरेक्टर है जो एक्चुअल में कोबरा है। वो एक बच्चे के साथ बैठकर एक लड़की भावना मेनन जिसका किरदार साउथ की एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी निभा रही है उसके साथ बातें करते नजर आते हैं। बाद क्राइम ब्यूरो ऑफिस में एक मीटिंग होती है कि इन दो बड़े बड़े हत्याओं के पीछे कौन है। तभी ऑफिस के बाहर एक लड़की अपनी मैथमेटिक्स स्किल दिखाती हुई दिखती है। ऑफिसर्स उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं पर वो वहाँ से जाने से मना करती हैं और इस इन्वेस्टिगेशन के सारे इन्फॉर्मेशन जानने का दावा करती हैं। कुछ ही समय में वो ये साबित कर देती है कि ये दोनों मौतें मैथमेटिक्स स्किल को अप्लाई कर की गई हैं और ये सिर्फ कोबरा कर सकता है जो एक सफाई से किए गए कत्लों के लिए जाना जाता है, और वो मैथ्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर ही इन मर्डर्स को अंजाम देता था। यह सुनकर ऑफिसर्स उस लड़की से काफी इम्प्रेस होते हैं जो कि मैथ्स की ही
यूनिवर्सिटी टॉपर होती है। वो कोबरा के मैथ स्किल से ऑब्सेस्ड है, इसलिए उसके बारे में उसे सारी इंफॉर्मेशन पता थी, पर उसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। फिल्म में उस लड़की का नाम जुडिथ सैमसन है और ये किरदार साउथ की एक्ट्रेस मीनाक्षी गोविंदराजन निभा रही हैं। फिर जुडिथ ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर के मर्डर का सारा सीन समझाती हैं और मर्डर 180 डिग्री या 120 डिग्री से नहीं बल्कि सीधे गोली का प्रयोग पंखे पर किए गए रिकोचेट इफेक्ट के वजह से होने का चांसेस बताती हैं। ऑफिसर्स के इन्वेस्टिगेशन करने पर यह सच साबित होता है और वो जुडिथ को इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ रख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मैथ्स टीचर माधी को भावना, जो अनाथ और गरीब बच्चों को माधी के साथ फ्री एजुकेशन देती है, उससे प्यार हो जाता है। पर माधी अभी शादी के लिए रेडी नहीं होता। भावना के घर वाले भी उसे खरी खोटी सुनाते हैं, पर वो माधी का साथ देती हैं। पर माधी इमोशनल होकर उसे डांट फटकार कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में माधी को अपना पास्ट नजर आता है। वो एक न्यूज़पेपर ऑफिस हिंदुस्तान टाइम्स को हिंदुस्तान टुडे शॉक में आ जाता है। मूवी का यह वाला पार्ट काफी कंफ्यूजिंग रहता है। माधी एक दुकान से गुजरते वक्त वहां से वही न्यूज़पेपर खरीदता है और सुडोकू सॉल्व करके एक कोड जेनरेट करता है, जिससे उसे उसका नेक्स्ट असाइनमेंट मिलता है, जो एक कोलकाता का जर्नलिस्ट नालायप्पम के तरफ से उसे मिलता है, जो माधी का मेंटर या सीनियर उसे देता है, जिसमें रसिया के डिफेंस मिनिस्टर मित्री युगलसाव को मारना होता है। माधी किसी तरह से भेष बदल कर रशिया पहुंच जाता है और कैमरामैन और कैमरे से मिनिस्टर को मारने पहुंचता है, पर वहां ऑलरेडी ऑफिसर अफसान पहुंचकर रशियन पुलिस को उसके सर्वर हैक होने के बारे में बता देता है। तभी रशियन पुलिस ये मानने से इनकार करती है। तभी बाहर उनके ऑफिस बिल्डिंग के स्क्रीन पर सर्वर हैक के जरिए वीडियो चलाकर उन पर कोबरा हंसता रहता है। उसके बाद कैमरामैन बनकर मीडिया के बीच छिपकर माधी मिनिस्टर को मारने पहुंच जाता है, पर ऑफिसर अफसान जाल बिछाकर सबकी फिंगरप्रिंट्स लेने की कोशिश करता है। तभी माधी अपने कैमरा की बैटरी निकालकर जहां गटर के पास गैस लीक हो रहा होता है वहां फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वहां ब्लास्ट हो जाता है और उसी बात का चांस लेते हुए कोबरा मिनिस्टर को मार देता है और वहां से भाग निकलता है। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर असलान को पता चलता है कि कोबरा का कनेक्शन राजीव नाम के एक बिजनेस टाइकून के साथ है, जो एक ऋषि कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी चलाता है। वहां माधी मिनिस्टर को मार के इंडिया लौटने के बाद ये फील करता है कि उसे उसके पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देकर अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भावना उससे बहुत प्यार करती थी और माधी भी उससे चाहता था। वो तुरंत भावना के घर जाकर उससे शादी के लिए प्रपोजल देता है। कुछ रोमांटिक सीन्स के बाद एंगेजमेंट कंप्लीट होते दिखाया जाता है। उस एंगेजमेंट में जुडिथ भी आई हुई होती है, क्योंकि वो भावना की एक्स स्टूडेंट होती है। माधी को जुडिथ से इंट्रोड्यूस कराने के बाद उनकी थोड़ी बातचीत होती है। फिर भावना को अंदर न्यूज चलने पर डिस्टर्बेंस फील होती है, तो माधीत एज अ केयरिंग फियोन से टीवी ऑफ करने चला जाता है। पर टीवी पर वही हिंदुस्तान टुडे चैनल चल रहा होता है। तभी माधी को अपना नेक्स्ट टारगेट पुकारने लगता है। असल में माधी के दिमाग में ही कुछ ऐसी बातें चल रही होती है
जिससे उसे लगता है कि वह बुरे लोगों को, जैसे दूसरों पर जो अत्याचार करते हैं, गरीबों के साथ ठीक से पेश नहीं आते, उन्हें मारने के लिए उसे कोई टारगेट दिया जा रहा है। उसे और 3 लोग टारगेट को कंप्लीट करने के रास्ते पर हमेशा दिखाई देते हैं। एक उसका ट्विन ब्रदर जो एक बच्चे के रूप में उसके साथ रहता है, एक उसका मेंटर नालायप्पन जो बचपन में उसे पढ़ाता था, और एक आनंद राज नाम का एक आदमी जो काफ़ी फनी वे में बात करता है। ये तीनों उसके बचपन से जुड़े कुछ कैरेक्टर हैं जिन्हें वो अपने दिमाग में हमेशा से लेकर जीता रहा। माधी गाड़ी लेकर घर से निकल जाता है, फिर न्यूज़पेपर ढूंढते, फिर रात को पेपर्स के बंडल्स पर चढ़कर वहाँ से उस दिन का पेपर निकालकर उसमें सुडोकू सॉल्व करता है। तभी उसे एक क्लू मिलता है, उसे लेकर वो एक इंटरनेट कैफे जाता है और कोडिंग करके एक क्लू निकालने लगता है। तभी सारे फ्रंट कैमरे ऑन हो जाते हैं, उसे उस नेट कैफे के कंप्यूटर्स ऑन हो जाते हैं और उसके कैमरे को एक रोबोटिक वे में चैलेंज किया जाता है कि हो सके तो अब वो खुद को ही बचा ले। असल में चैलेंज करने वाला कोई और नहीं, माधी का ही ब्रदर था। मैथमेटिशियन जो माधी के नाम से जाना जाता है, वो असल में काथिर है, मतलब उस मैथमेटिशियन का ट्विंस छोटा भाई जो काथिर को चैलेंज करता है, वो असल में माधी है। वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस थे, इसीलिए सेम दिखते हैं। असलन और युदित जब कोबरा का बैकग्राउंड चेक करने निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोबरा ने सिर्फ मैथ्स में ही नहीं बल्कि कंप्यूटर में भी महारत हासिल कर रखी थी। उधर मैथमेटिशियन माधी की एक पिक्चर लीक होती है जो ऋषि द बिजनेस टाइकून के हाथ लग जाती है, और वो माधी को मारने के लिए कुंडे भेज देता है। क्योंकि माधी और कातिर का फेस सेम होता है, इसलिए कोबरा समझकर माधी को मारने के लिए कुंडे पहुंच जाते हैं। पर कातिर जो असल में मैथमेटिशियन है, वो गुंडों को मार देता है क्योंकि कातिर माधी को अब भी अपने बहुत चाहता था। पर माधी कातिर से नफरत करता था, वो चाहता था कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाए क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के मौत का बदला लेना था। उसके बाद फ्लैशबैक में एक स्टोरी चलती है कि कैसे दोनों भाइयों में नफरत पैदा हुई। माधी और कातिर दोनों जेल में पैदा हुए थे, उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, पर वो वहाँ अपनी सजा काट रही होती हैं। माधी बचपन से ही शरारती था, पर कातिर हमेशा से ही एक शांत स्वभाव का स्पेशल चाइल्ड रहा है। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। जेल के अंदर जो टीचर पढ़ाते थे वही नलयप्पम है, पर उनकी माँ को सजाए मौत की पनिशमेंट मिली थी तो एक रात उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है, और वहाँ का क्रूर जेलर उनकी बॉडी को बुरी तरह खींच कर जमीन पर गाड़ने लाता है। तभी माधी एक औजार से जेलर का गला काट देता है। उसके बाद दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो दुनिया के सामने सिर्फ एक होकर अपनी पहचान बताते हैं। बस में कातिर को एक आदमी मिलता है जो मैथ्स के कुछ सम सॉल्व करता हुआ दिखता है। तभी कातिर उसके पास जाकर वो सॉल्व कर देता है। ये देखकर वो आदमी काफ़ी इम्प्रेस होता है। फिर वो कातिर को ले जाकर एक अनाथ आश्रम में डाल देता है और अपना कुछ कुछ काम उससे करवाता रहता है। कातिर अपनी चालाकी से कुछ ऐसे बड़े बड़े काम कर देता है जो एक बच्चे के बस की बात नहीं होती। फिर दोनों भाई वहाँ रहने लगते हैं। दोनों
अपने अपने परिचय छिपाकर सिर्फ एक माधी नाम से दुनिया के सामने आते हैं। दोनों बड़े होकर कॉलेज जाना शुरू करते हैं। कातिर मैथमेटिशियन और माधी कोडिंग दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखती है जिसका नाम जेनिफर रोजारिया होता है और पुलिस कमिश्नर की बेटी होती है। और यह किरदार साउथ की एक्ट्रेस मृणालिनी रवि निभा रही होती है। उससे माधी को प्यार हो जाता है और इसी बीच कुछ रोमांटिक सीन्स भी हैं जो फिल्म के उस पार्ट को काफ़ी रोमांचक बनाती हैं। लड़की के पिताजी उनके इस रिश्ते को मानने से इनकार करते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं। जब वो भागकर माधी के पास आती है तो माधी और उसके गर्लफ्रेंड एक उस दिन रास्ते पर हक करके पीछे मुड़ते ही हैं, तभी एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट कर दिया जाता है। वो दोनों जाकर एक खाई में गिर जाते हैं। फिर माधी की सांसें चल रही होती हैं और तभी वो ऊपर देखता है और उसे कातिर नज़र आता है जो उस एक्सीडेंट सीन में प्रेजेंट था। और उसे लगता है कि ये सारे और उसे लगता है इसलिए वो कातिर से नफरत करता है, उसे अपना भाई नहीं मानता और उससे बदला लेना चाहता है। क्योंकि माधी को कोबरा का राज पता होता है तो वो उस ऋषि के गुंडों को मारने वाले सीन से कातिर को असलन के हवाले कर देता है। उसके बाद लॉकअप में कातिर के सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि उसके पास्ट में हुई घटनाओं से प्रभावित था। ये वाला सीन विक्रम का इस मूवी में सबसे बेस्ट सीन है। वो अलग अलग आवाज़ों में बातें करता है। आपने विक्रम की मूवी अपरिचित में देखा ही होगा जिसमें ऐसी ही एक सीन दिखाई जाती है जिसके सभी दीवाने हैं। उसके बाद ऋषि के गुंडे माधी के मदद से कातिर को वहां से निकालकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल के अंदर लाते हैं। तभी ऋषि वहां आता है और एक फाइट उनके बीच होती है जहां माधी जेनिफर के मौत के बदले के का जिक्र करता है। फाइट के बीच कातिर के बारे में जिक्र करता है। फाइट के बीच कातिर उससे बताता है कि किस तरह वो जेनिफर और माधी के बांग्लादेश भागने का इंतजाम कर आया था। तभी रास्ते में उसे वो एक्सीडेंट दिखा और उसके पीछे कातिर नहीं बल्कि वो बिजनेस टाइकून ऋषि और जेनिफर के पिता हैं। ये बताने के बाद वो माधी को वही एक रूम में लॉक कर देता है और खुद बाहर निकलकर ऋषि और उसके आदमियों को मार गिराता है। पर इसी बीच उसे भी गोली लग जाती है और कातिर मारा जाता है। माधी और भावना को एक सदमाग्रस्त अवस्था में छोड़कर वो इस दुनिया से अलविदा लेता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।